ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक, पहले तो बता दूं, उत्तराखंड से महेश कुमार कुशवाहा, गदरपुर मेरा होम शहर है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये मैं आपको, क्योंकि जैसा लोगों की डिमांड आ रही थी कि पत्थर चट्टे का पौधा कहाँ से मिलेगा जिसकी पत्थरी में होती है। देखिए, अभी इसकी कई वैरायटियाँ होती हैं, कई किस्में हैं, और ये किस्म है जो लंबे पत्ते वाली, इसको मैं कम से कम पिछले एक महीने सुखा रहा हूँ, लेकिन सूखने का नाम तो इसने नहीं लिया। और ये देखिए इसकी पहचान क्या, ये हर जो पत्ते का किनारी होती है वहाँ से एक नया पौधा निकलता है। देखेंगे, देखिए ये धूप में सूखने के बाद भी इसका हाल है, आप देख रहे होंगे, जितने पत्ते के कोने हैं हर कोने से एक नया पौधा जन्म लेता है। इसे इसलिए अजूबा भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम अजूबा है। पत्थर चट्टा या पसाड़ भेद अलग होता है, जो पहाड़ों में होता है, मैं उसको आपको बताऊँगा, उसका भी पौध मेरे पास है। इसे हम अजूबा के नाम से अधिकतर जानते हैं, और जो पत्थर चट्टा होता है जिसे हम सिलफोड़ी या पसाड़ भात कहते हैं वो अलग होता है, लेकिन इससे भी पत्थरी निकलती है, और ये आम प्रचलन में पत्थर चट्टा के नाम से ही प्रसिद्ध है। आपको बताएं, सभी लोग इसे पत्थर चट्टा के नाम से ही जानते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो कल्ले निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे हर गांठ पे ये सब नए पौधे का रूप ले लेंगे। ये देखिए, इसमें जड़ निकल रहा है, बैक एंड में जड़ निकल रहा है, ऊपर से धूप मिल रहा था तो इस साइड में इसकी जड़ें निकल रही हैं, और ये एक नया पौधा बनेगा। तो इसकी देखिए दो ये और भी बहुत सारे हैं, सभी में लगभग ये देखिए पौधे, इसमें तो पौधे बड़े भी हो गए। मैंने आज देखा, मैंने कहा सूख नहीं रहा है, क्या बात है। ये देखिए ये नए पौधे भी निकल गए, पत्ते भी बड़े बड़े हो गए। तो इसकी दो किस्में, एक तो लंबे पत्ते वाली जो कि मैं लाया हूँ, जिससे कि असली पत्थर चट्टा बोला जाता है। ये देखेंगे लंबाई में होता है, साथ ही इसमें गोल पत्ते वाला मेरे पास बहुत है, और मैंने ये इसकी थैली में लगाया था कि लोग मांगते हैं देने के लिए, लेकिन ये देखिए मिट्टी पकड़ करके इतने बड़े बड़े हो गए। और इसमें एक या ये देखिए तीन पत्तों का समूह भी है, मतलब एक सीख में तीन पत्ते हो जाते हैं, और एक भी है, और यहाँ देखेंगे दो दो चार पाँच भी हैं। ये देखिए पाँच भी हैं। कुछ लोगों की तो इस पत्ते खाने से निकल जाती है पत्थरी, कुछ लोगों की इस पौधे के खाने से निकलती है इसके पत्ते को। तो ये पत्ते काफ़ी बड़े हो जाते हैं, एक एक फुट लंबे तक भी हो जाते हैं। आपको बताऊँ, ये तो मैंने डिब्बे में लगाया, छोटा है तो इस वजह से दिख रहा नहीं, तो ये एक एक फुट लंबा भी हो जाता है। और एक पत्थर चट्टा मैं पहाड़ से भी लाया हूँ, जो कि थोड़ा और अलग है, या फिर इससे मिलता जुलता है, इस वाले किस्म में मिलता जुलता है। इस पौध को मुझे कहीं लगाना पड़ेगा, गिर रहा है, तो मैं वो भी दिखा दूँ आपको। तो कोई भी पत्ता हो तो इसकी मरीज के हिसाब से उसकी कितनी पत्थरी है किस हिसाब से, उस हिसाब से खिलाना है। और ये हमने एक नई किस्म का पत्थर चट्टा रखा था, जो कि यहीं पर तो होना चाहिए। चलिए, इससे वो देख नहीं रहा, मुझे लग रहा है या तो किसी को दे दिया हुआ कि यहाँ इधर उधर पड़ा हुआ है, नहीं तो हम दिखा देते हैं। गायब तो नहीं होना चाहिए। हो सकता ये है, मैं देखूंगा अभी, सर्च करूंगा, लेकिन वो पत्थर चट्टा अलग है जो हम पहाड़ से लाए थे। तो इस तरीके से हम लाते रहते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग मिलते हैं। मेरा मकसद मेन ये है कि जो हम पत्थर चट्टा ये वाला खाएं या ये खाएं, दोनों आपको नर्सरी में मिल जाएगा। और अगर पत्ते देखिए जैसे छोटे हैं, तो ऐसे पत्ते छोटे हैं इसके दो पत्ते ले लें, और अगर पत्थरी छोटी है 3-4 mm की, तो एक पत्ता भी ले सकते हैं। तो इसको पीस करके तुरंत पीना, और सुबह खाली पेट पीना, और एक घंटे तक कुछ भी नहीं लेना। लोग बोलते हैं चबा लें, तो चबा पाते नहीं, फिर बाद में थूक देते हैं, इससे बढ़िया ये है। और ये एक पत्ता देख रहे होंगे बड़ा वाला, इस एक पत्ते को लेना है, तो 20-25 दिन लीजिएगा। तो जो नॉर्मल पत्थरी होती है वो तो इससे निकल जाएगी। देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, सारी पत्थरियाँ नहीं निकलती हैं, क्योंकि हर पत्थरी भी 3-4 प्रकार की होती हैं, कैल्शियम की होती हैं, और हार्ड वाली होती हैं, और एक तो बहुत ज़िद्दी होती हैं, वो रसायन से भी निकलना मुश्किल हो जाता है, भस्म वगैरह दिया जाता है, उससे भी बड़ी जल्दी नहीं निकलती हैं, तो बड़ी मेहनत करवाती हैं, लेकिन निकल जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन में ही है, और आज की डेट में आपके पास मूली है तो मूली का सेवन भरपूर करिए, जिससे आपकी किडनी साफ़ रहेगी, किडनी की सफाई हो जाएगी, तो आगे आपके पूरे वर्ष भर काम करेगा। मेरा मकसद यह पत्थर चट्टाई की पहचान कराना था, मैंने करा दिया, और इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग प्रयोग करते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। पत्ता का साइज और जो
पथरी की साइज़ है उस पर डिपेंड करता है कि हमें इसकी मात्रा कितनी लेनी है। सुबह आप खाली पेट लीजिए और शाम को 5 से 6 बजे 7 बजे के बीच में आप ले सकते हैं, उसके 1 घंटे बाद खाना खाए। दोनों टाइम एक एक पत्तों का रस लेते हैं तो पथरी आपकी धीरे धीरे जाती रहेगी। और मेरे यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से भी इस पर पहले मैं वीडियो डाल रहा था तो उसमें भी एक दो व्यक्ति ने लिखा है कि उन्होंने जब 15 दिन लेने के बाद 16वें दिन टेस्ट कराया तो उनकी पथरी गायब थी। तो इसी के साथ ही आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखिए मैं ऐसा प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, जो काम की चीज़ें वही बताता हूँ, फालतू की बात नहीं होती है। तो कृपया इसको शेयर करते रहिएगा ताकि और लोगों को पता चले। आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।